हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो भी बच्चे पीटीईटी का रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे, फाइनली उनका जो इंतज़ार है वो बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाला है। पीटीईटी रिजल्ट की जो डेट है वो घोषित कर दी गई है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि पीटीईटी का रिजल्ट इसी सप्ताह घोषित कर दिया जाएगा। तो काफ़ी बच्चों के कॉमेंट्स आ रहे थे और वो बच्चे बोल रहे थे कि सर, इस सप्ताह रिजल्ट तो नहीं आया है, आज मंडे हो गया है, तो किसी कारण बस रिजल्ट नहीं जारी किया गया है। तो फाइनली अब जो है डेट घोषित कर दी गई है। तो इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि पीटीईटी का जो रिजल्ट है किस डेट को जारी किया जाएगा। कॉलेज लिस्ट के बारे में बात करेंगे और काउंसलिंग की प्रक्रिया कब से शुरू होगी और कौन कौन से दस्तावेज आप लोगों को तैयार कर लेने हैं, कितनी लिस्ट जारी की जाती हैं, तो ए टू जेड जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिजल्ट की। तो फाइनली रिजल्ट की जो डेट है वो घोषित कर दी गई है। तो आप लोग देख सकते हैं कि 21 जून तक आएगा पीटीईटी का परिणाम। 5.25 लाख स्टूडेंट्स ने दी थी परीक्षा। 943 बीएड और 455 इंटीग्रेट कॉलेज में 1.5 लाख स्टूडेंट्स को मिलेगा एडमिशन। स्कूल आने के लिए विद्यार्थियों को सरकार देगी किराया। ये तो खबर हमारी है नहीं फिलहाल, इसको छोड़ते हैं। तो फाइनल जो डेट है वो घोषित कर दी गई है। इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि जल्द जारी करेंगे। जो डॉक्टर मनोज पांडे जो हैं, ये क्या बोल रहे हैं कि पीटीईटी का परिणाम जारी करने की पूरी तैयारी है। हमारा प्रयास है कि शिक्षण प्रशिक्षण का सत्र समय पर स्टार्ट हो जाएगा, जून माह में ही परिणाम आएगा। इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि जून तक, 21 जून तक आएगा पीटीईटी का रिजल्ट। तो 21 जून यानी कि आज तारीख हो गई है 19, तो कल का और वेट कर लीजिए और 21 तारीख को आप लोगों का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। देखिए डेट जो है वो घोषित कर दी गई है, कोई मैं आपको कोई फेक न्यूज़ नहीं दे रहा हूँ। जब जानकारी हमको मिलती है तो ही मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ। तो बिल्कुल क्लियर है, 21 जून तक आप लोगों का पीटीईटी का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। तो आप लोगों का जो इंतज़ार है वो बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाला है। तो मैंने पीटीईटी के ऊपर कई सारे वीडियो बनाए थे और मैंने आप लोगों को बोला भी था कि 3 प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास, यानी कि इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और डोमेस्टिकल सर्टिफिकेट, ये 3 बनवा लीजिए। अगर आप लोगों ने इन 3 को नहीं बनवाया होगा तो आने वाले समय में काउंसलिंग के समय आपको परेशानी होगी। मैंने पहले ही बताया था, अगर आप लोगों ने बनवा लिया है तो अच्छी बात है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि किन किन बच्चों ने ये 3 सर्टिफिकेट बनवा लिए हैं, कास्ट, इनकम और डोमेस्टिकल। काउंसलिंग की डेट की अगर हम बात करें तो देखिए, काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है आप लोगों की, रिजल्ट आने के 4 से 5 दिनों के बाद काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। शेड्यूल में आपको पता चल जाएगा कि काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो कब से कब तक होगी और जो 5,000 रुपये जो फीस है काउंसलिंग का, जो रजिस्ट्रेशन होगा कब से कब तक कर सकते हैं, पहली लिस्ट कब तक जारी की जाएगी, तो उसमें सारी जानकारी दी जाएगी और अवार्ड मूवमेंट आप लोग कब से कब तक कर सकते हैं, ठीक है। कॉलेज लिस्ट की अगर हम बात करें तो देखिए, काउंसलिंग का शेड्यूल जब जारी किया जाएगा तो उसमें साफ साफ बताया जाएगा कि पहली लिस्ट जो है वो कब तक जारी की जाएगी। दस्तावेज की अगर हम बात करें तो देखिए, इंटर हाईस्कूल की मार्कशीट हो गई आपकी, ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो गई, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास और आय प्रमाण पत्र, ठीक है। और पीटीटी का जब आपने फॉर्म फिल किया था, जो भी दस्तावेज आप लोगों के पास हैं फॉर्म फिल करते समय, वो सारे दस्तावेज उन्हें कलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जब आप 5,000 रुपये से रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे 5,000 रुपये से, तो उसकी रिसीविंग आपको मिलेगी, वो रिसीविंग भी आपको अपने आप पास संभाल कर रखनी होगी, ठीक है। जैसे कि आपको मान लीजिए कि आप लोगों का रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के बाद आप लोगों ने काउंसलिंग में भाग लिया, काउंसलिंग में भाग लेने के बाद आपको कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक है। कॉलेज अलॉट होने के बाद जब आप 22,000 रुपये फीस जमा करेंगे, 22,000 फीस जमा करने के बाद ही आप अवार्ड मूवमेंट कर पाएंगे। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं पता होगा कि अवार्ड मूवमेंट होता क्या है, तो जान लीजिए अवार्ड मूवमेंट क्या होता है। मान लीजिए कि आपका मन कोई दूसरा कॉलेज लेने का है और आपको दूसरा कॉलेज मिल गया, अगर आप चाहते हैं कि हमको वो वाला कॉलेज मिल जाए, तो उसके लिए आपको अवार्ड मूवमेंट करना होगा। और अवार्ड मूवमेंट आप तभी कर सकते हैं जब आप 22,000 रुपये जो फीस है वो सबमिट करेंगे, तभी आप अवार्ड मूवमेंट कर पाएंगे, वरना आप अवार्ड मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है।
हाँ, दूसरी बात, एक एफिडेविट बनवा लीजिए कॉलेज में जाके, और एफिडेविट में आपको ये टाइप करके लिखवा लेना है कि जो भी मैंने दस्तावेज लगाए हैं बिल्कुल सही हैं, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी जो है वो बिल्कुल सही है, और नोटरी पे जो मोहर होती है वो लगवा लीजिए आप लोग, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं उन डॉक्यूमेंट्स को आप कलेक्ट कर लीजिए। दूसरी बात, जो फ़ोटो आपने यूज़ की हैं फॉर्म फिल करते समय, वही फ़ोटो आपको लगाना होगा, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप कलेक्ट कर लीजिए, एक वीडियो और बना दूंगा डॉक्यूमेंट्स पर, ठीक है। रिजल्ट आने दीजिए उसके बाद कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कलेक्ट कर लेने हैं। दस्तावेज तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि कौन कौन से दस्तावेज। अब बात कर लेते हैं कि कितनी लिस्ट जारी की जाती है। देखिए टोटल 3 लिस्ट जारी की जाती हैं। मान लीजिए आपको पहली लिस्ट में आपका नाम नहीं आया तो दूसरी लिस्ट में आ गया, जिन बच्चों का दूसरी लिस्ट में नाम नहीं आया तो उन बच्चों का तीसरी लिस्ट में नाम हर हाल में ही आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली जो डेट है पीटीटी की, रिजल्ट की, वो जारी कर दी गई है। 21 जून को आप लोगों का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। तो छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए जानकारी देने के लिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।